राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी ओबीसी सेल व अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद यांच्यातर्फे आज नागपुरात निर्देशने करत रॅली काढण्यात आली. आडनावावरून इम्पेरिकल डाटा गोळा करणं त्वरित थांबवा, यामुळे ओबीसी समाजावर अन्याय होणार नाही यासाठीच ही निर्देशने देण्यात आली असल्याची माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहर अध्यक्ष दुनेश्वर पेठे यांनी दिली आहे. महाविकास आघाड़ी हमेशा ओबीसी के आरक्षण के बाबत वो उसके पक्ष में ही रही है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ये कभी भी आरक्षण वहाँ का ओबीसी का ना मिले इसका प्रयास करते रही है. लेकिन हमारी महाविकास आघाड़ी रहे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी रही, ऑलवेज ओबीसी के पक्ष में रही है. हमारी डिमांड ये है कि जिस प्रकार से अभी जो भाटिया आयोग स्थापन हुआ है, मागासवर्गीय आयोग स्थापन हुआ है, उस आयोग में मतदार यादि से वो जो नाम निकाल के नाम से वो ओबीसी का ये कर रहे हैं, वो हम ये चाहते हैं कि वहां से मतदार यादि से नाम ये सरनेम जो होते हैं हर समाज में होते हैं, उसके वजह से ओबीसी कौन है आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा. हमारा बोलना यही है कि जहां जो ये ओबीसी है सबके घर में जाके वो ओबीसी है, एससी है, एसटी है, जेएनटी है, जो समाज का होगा उसके घर में जाके एम्पिरिकल डाटा तैयार करने से हमारे ओबीसी समाज के ऊपर किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होगा. इसलिए हम आज निवेदन कलेक्टर के माध्यम से आयोग को देने जा रहे हैं.